हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। बिग बॉस ओटीटी को काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल जब से बिग बॉस ओटीटी शुरू हुआ है तब से दर्शक हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको अब तक का जो भी फुटेज था, जो कि अब तक उनको शो पे टीवी पे जो देखने को मिलता था, उससे ज्यादा अनकट सीन उनको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वो अनकट सीन्स के लिए या अनकट मोमेंट्स के लिए काफी सर्च करते थे, लेकिन अब बिग बॉस ओटीटी उनको लाइव दे रहा है जितनी भी शो की अपडेट्स हैं वो सारी, और जितना रॉ रहते हैं घर वाले, जितना चीजें बोलते हैं एक दूसरे को, फिर चाहे वो एक दूसरे को कई भी बातें हो या टास्क हो, सब में एकदम रियलिटी दिखाई दे रही है। इसके अंदर कोई भी अनफिल्टर्ड चीजें सारी दिखाई दे रही हैं। इसी वजह से जो बिग बॉस ओटीटी है उसको लेकर भी काफी ज्यादा क्रेज दिखाई दे रहा है फैंस के अंदर, इसलिए फैंस पसंद भी काफी कर रहे हैं। वहीं बात की जाए शो के अंदर की, तो इस बार भी शो काफी ज्यादा ड्रामा दे रहा है, काफी ज्यादा लड़ाइयां दे रहा है, तो काफी ज्यादा कपल्स भी बनते दिखाई दे रहे हैं बिग बॉस ओटीटी 15 के अंदर। क्योंकि अभी तक जितनी भी जोड़ियां थी जो बिग बॉस के पहले सीजन में रही हैं वो अपनी अपनी जगह पर सभी हिट रही हैं। हालांकि बिग बॉस 13 की जो जोड़ी रही थी सिडनाज, उसके बाद जो बिग बॉस 14 और बिग बॉस 15 से जो फैंस की एक्सपेक्टेशन थी वो ज्यादा बढ़ गई थी। बिग बॉस 14 ने उतना ज्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन बिग बॉस 15 ने वो कमाल कर दिखाया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो इसके अंदर जो जोड़ियां बन रही हैं वो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं। वहीं बात की जाए शमिता और राकेश बापट की, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट लविंग जोड़ी है। वहीं बात करें अभी न्यूली जो एक जोड़ी बनी है अक्षरा और मिलिंद गावा की, वो भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा यही टच होगा, क्योंकि बिग बॉस लास्ट सीजन की, लास्ट टू लास्ट सीजन की भी फैंस को याद आएगी, क्योंकि जब सिद्धार्थ और शहनाज का जो पेयर था वो इसलिए भी पसंद किया जाता था कि सिद्धार्थ काफी ज्यादा बॉम्बे बेस्ड है और मुंबई से बेस्ड रखते हैं, वहीं शहनाज पंजाब से है। और अक्षरा और मिलिंद वाले केस में भी ऐसा ही है, मिलिंद गावा पंजाब से बिलोंग करते हैं और अक्षरा बिहार से हैं, इसी वजह से जो दोनों की केमिस्ट्री है वो काफी ज्यादा मिस एंड मैच येट अलाइक लग रही है, और इसी वजह से जो दर्शक हैं वो दोनों जोड़ियों को काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं बात की जाए शमिता शेट्टी और राकेश बापट की, तो इस जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और लगातार ये ट्रेंड में भी है। इसलिए है क्योंकि हाल ही में आपको एक पिक्चर नजर आई होगी सोशल मीडिया पे, जहां पे राकेश बापट शमिता शेट्टी को मॉर्निंग में जगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथ पे किस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो फोटो काफी वायरल हो रही है और उस फोटो को देखकर जो फैंस है वो और ज्यादा खुश हो रहे हैं कि अब तक जो बॉन्ड देखना चाह रहे थे बिग बॉस 14 से, लगातार उनकी जो आंखें हैं वो इसी इंतजार में थी कि कब उनको ऐसी कोई जोड़ी दोबारा देखने को मिलेगी जिसकी केमिस्ट्री को वो वाकई इंजॉय करेंगे। वैसा ही देखने को मिल रहा है शमिता शेट्टी की, जो शमिता शेट्टी हालांकि बहुत ही मैच्योर कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रही हैं, जैसे उनकी फुल पावरफुल मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रांग उन्होंने एंट्री ली थी, इसका एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुकी हैं शमिता शेट्टी है, उनको थोड़ा सा उस चीज का अनुभव भी है। लेकिन अगर बात की जाए अभी के सीजन की, तो शमिता शेट्टी की अभी तक की परफॉर्मेंस वाकई अच्छी है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी चल रही है कि जो शो के होस्ट हैं करण जौहर, जो ओटीटी होस्ट कर रहे हैं, वो काफी हद तक शमिता शेट्टी को उनका साथ दे रहे हैं, थोड़ा सा बायस नजर आ रहे हैं फैंस का कहना है। लेकिन शमिता शेट्टी एज अ पावरफुल कंटेस्टेंट भी नजर आ रही हैं, वो फिर उनकी चाहे लड़ाइयां हो टास्क हो, काफी ज्यादा फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं। अक्षरा सिंह भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही हैं, मिलिंद भी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, जिशान दिव्या अग्रवाल ही काफी ज्यादा स्ट्रांग कंटेस्टेंट के रूप में बाहर आ रहे हैं। वहीं दो जोड़ियां जो फैंस ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो है शमिता शेट्टी राकेश बापट और अक्षरा सिंह और मिलिंद गावा की, और ये दोनों ही जोड़ियां मेरे ख्याल से काफी आगे जाने वाली है और दोनों जोड़ियों को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और बिग बॉस के हर सीजन में ये फैक्टर काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमेशा से स्टार्टिंग से जो जोड़ी अपनी जगह बना लेती है दर्शकों की नजरों में, वो काफी ज्यादा आगे भी जाती है, वो गेम के तौर पर भी अच्छा है और फैंस वैसे भी उस केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो खैर देखना होगा कि इनमें से कौन सी जोड़ी ऐसी है, कौन सा कनेक्शन ऐसा है जो लंबे समय तक टिक पाता है, या वैसे भी बिग बॉस में कुछ कह नहीं सकते नेक्स्ट डे क्या हो जाए, कौन से टास्क में किसकी लड़ाई हो जाए। खैर देखना होगा कि अगली जोड़ी कौन सी होगी जो दर्शकों का दिल जीतती है, शमिता शेट्टी राकेश बापट की होती है या फिर अक्षरा सिंह या मिलिंद गावा की होगी, ये भी देखना होगा। क्या आप हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें।